आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, स्लेव डायनेस्टी गुलाम वंश का अंत होने वाला है, असली में तो हो ही गया है, लेक्चर्स में भी अंत होने वाला है। स्लेव डायनेस्टी के अंत पे हम पहुंच गए हैं और लास्ट ऑफिशियल रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी मोइजुद्दीन कायकदाबाद की आज हम बायोग्राफी को रिव्यू करेंगे। देखिए दोस्तों, ये इस लेक्चर से आप काफी कुछ सीखेंगे। इस लेक्चर से आप ये सीखेंगे कि भैया संगत बहुत अच्छी करो, जैसी संगत वैसी रंगत। अगर संगत अच्छी नहीं है तो अच्छा खासा इंसान बिगड़ सकता है। ये जो महाशय आपको दिख रहे हैं, शहजादा कायकदाबाद, सुल्तान कायकदाबाद, बिल्कुल सही बैठता है इनके ऊपर। इनको उस समय राजा बनाया गया, सुल्तान बनाया गया, जब ये अपने टीन्स में थे, 17-18 साल के थे, तब इनको गद्दी दे दी गई। अब इतने छोटे से लड़के को अगर राजा बनाया जाएगा तो आप समझ ही सकते हैं उसने क्या किया होगा। तो हम ये सारी चीजें इस लेक्चर में जानेंगे। इसके बाद दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट फेमस डायनेस्टी, जो बहुत ज्यादा जिसके चर्चे होते हैं, मूवीज बन जाती हैं और बहुत ज्यादा चर्चे होते हैं, खिलजीज पे हम आएंगे। अब खिलजीज रूल करेंगे भारत को। टर्को अफगान डायनेस्टी थी, टर्किश डायनेस्टी वो पूरी तरीके से नहीं थी, इसीलिए जलालुद्दीन खिलजी जो कि फाउंडर हैं, ठीक है, खिलजी डायनेस्टी के, उनको काफी नीचे नजर से देखा जाता था। और ये कमांडर थे मोइजुद्दीन कायकदाबाद की आर्मी में, जलालुद्दीन खिलजी जो था वो कमांडर था। उसके बाद उसने सत्ता हथिया ली, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में भी थोड़ा सा ब्रीफ जानेंगे, फिलहाल ये लेक्चर जो होगा वो कायकदाबाद पे ही होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिट_रिकनेक्ट मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है, यही डीपी लगी हुई है, सर्च करने में आसानी होगी। आप वहां से सवाल पूछ सकते हैं, लेक्चर की पीडीएफ ले लीजिए। अब सवाल अगर आप पूछें तो सवाल ही तक उसको सीमित रखें दोस्तों, ठीक है। कभी कभी बहुत उल्टे सीधे सवाल पूछे जाते हैं तो इसीलिए मैं रिप्लाई नहीं करता, फिर आप लोग बोलते हैं सर आप रिप्लाई नहीं करें। सवाल भी पूछे और भी जो पूछना है पूछे, बस थोड़ा सा मतलब आराम से पूछिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट कोर्सेज हर एग्जाम्स के लिए आते हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए। हाल ही में हमने यूजीसी नेट कॉमर्स का कोर्स लॉन्च किया है, तो अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी कॉमर्स सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो आप इस कोर्स को जरूर अवेल कर सकते हैं, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। अब ये प्रोमिनेंट मुस्लिम डायनेस्टीज है, हम इन सब की बात करेंगे। 600 सालों का इतिहास दोस्तों आपको बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। हमने सबसे पहले देखा था, एक बार रिविजन ले ही लेते हैं क्योंकि पहली डायनेस्टी जो है वो उसका खत्म, मतलब उसके हम समापन पे पहुंच गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बात की थी मोहम्मद ऑफ गजनी की, ठीक है, जिसने बार बार भारत को रेड किया, भारत पे रूल तो नहीं जमा पाया, ठीक है, रूल तो नहीं कर पाया, लेकिन रेड उसने चालू कर दी थी, ठीक। उसके बाद हमने बात की थी मोहम्मद ऑफ घोरी की, ठीक है, यहां से ही भारत में मुस्लिम रूल जो है वो शुरू हो गया। मोहम्मद घोरी ने जब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन जीती पृथ्वीराज चौहान से 1192 में, उसके बाद ये मुस्लिम रूल शुरू हो गया। मोहम्मद घोरी की बायोग्राफी भी कवर की है और फर्स्ट और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन भी मैंने कवर की है, तो दोनों ही आप देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। मोहम्मद घोरी अपने साथ बहुत सारे गुलामों को लेके आया था, वो उनको अपना बच्चा मानता था, तो वो भारत में छोड़ गया था। तो यहां से गुलामी वंश जो है वो भारत में स्टार्ट होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में जो राजा बना वो गुलाम था मोहम्मद घोरी का। तो 1206 से लेकर 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक की बायोग्राफी मैंने कवर की हुई है, ठीक है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, 1206 से 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक की बायोग्राफी कवर्ड है। उसके बाद 1210 से 36 इल्तुतमिश आया था, ठीक है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद, इल्तुतमिश जिसने बहुत कुछ किया, इल्तुतमिश जिसने अपने ही नोबल्स बना लिए, तुर्कान चहलगंज की स्थापना कर दी, तंका जित्तल करेंसी चला दी, सब कुछ कवर किया है दोस्तों, आप देख लीजिएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह हो गई थी इल्तुतमिश की कि उसने जो नॉबल्स बनाए थे बाद में उन्होंने ही सारा काम बिगाड़ना शुरू कर दिया, ये भी मैंने कवर किया है। इल्तुतमिश के ही समय में चंगेज खान का जो टेरर था वो भारत आ गया था, हालांकि चंगेज खान या मंगोल भारत नहीं आ पाए थे, इल्तुतमिश ने बहुत ही डिप्लोमेटिकली और बड़ी समझदारी से उनको रोक लिया था, क्योंकि जो वहां का राजा था जलालुद्दीन, ठीक है, वो बोल रहा था कि हमको शरण दे दो, हमको पना दे दो, क्योंकि यहाँ पे भैया ख्वारिज्मियन एम्पायर को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया था ना यहाँ पे,
चंगेज खान है, वो सब मैंने कवर किया है। तो इल्तुतमिश ने साफ मना कर दिया था, तो यहां से हम मंगोलों से बच गए थे। हालांकि बहुत सालों तक दोस्तों मंगोल इन्वेजन ऑफ इंडिया पे भी मेरा एक सेपरेट लेक्चर है, लाखों लाखों लोगों से देख चुके हैं, आप देख लीजिएगा। 100 सालों का इतिहास मैंने आधे घंटे में समझा दिया है, बहुत अच्छा लेक्चर है, वो देखिएगा। तो यहां पर मंगोलों का खतरा टला नहीं था, मंगोल जो थे वो अटैक करते थे, लेकिन जो पिछली बार हमने बायोग्राफी जिनकी रिव्यू की थी, जिस सुल्तान की, बलबन, उसने इतना बढ़िया तरीके से वहां पे प्रोटेक्शन लगा रखा था वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे कि मंगोलों को खदेड़ दिया जाता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी। उसके बाद फिर 1236 से 1240 तक फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया रजिया सुल्तान की बायोग्राफी मैंने कवर की थी, ठीक है, उसका भी लेक्चर अवेलेबल है। फिर 1240 से 1242 तक बैराम शाह, फिर 1242 से 46 तक मसूद शाह, और यहां पे दोस्तों याद रखिएगा इल्तुतमिश के साथ, मतलब जब इल्तुतमिश ने बलबन को खरीदा था, ठीक है, पैरलली क्या हो रहा है, पैरलली यहां पे इल्तुतमिश के बाद बहुत सारी साजिशें चल रही हैं। बलबन जो है वो साजिशें कर रहा है, पहले उसने रजिया सुल्तान को मरवाया, उसके बाद उसने मसूद शाह को हटवाया, बैराम शाह को हटवाया, फिर नासिरुद्दीन महमूद आया 1246 से लेकर 1266 तक, ठीक है, नासिरुद्दीन महमूद की भी बायोग्राफी का वर्ड है, उसका रेंज चला। तो 1246 से 1266 तक नासिरुद्दीन महमूद बलबन की मदद से आया था, ये सब मैंने कवर किया हुआ है। बलबन ने अपनी बेटी की शादी नासिरुद्दीन महमूद से करा दी थी, पावर जो है वो बलबन के पास ही थी, वो सिर्फ नाम मात्र का सुल्तान था। 1266 में जब नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है, उसका देहांत होता है, उसके बाद बलबन आता है। अब बलबन की क्या कहानी है, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, सब बताया। तो एक छोटा सा रिविजन था, अभी तक हमने क्या क्या कवर किया है। तो जब बलबन आया तो बलबन ने बहुत सारी चीजें की, बलबन ने पूरी दिल्ली को एक किले में तब्दील कर दिया था, चार कोनों में किले बनवा दिए थे ताकि अटैक ना हो सके। रिवोल्ट हुए थे बंगाल में, रिवोल्ट हुए थे अवध में, रिवोल्ट हुए थे मेवात जिले में, रिवोल्ट हुए थे, लेकिन उन सबको सप्रेस कर दिया था। मंगोलों का इन्वेजन हुआ था, लेकिन मंगोलों को भी उसने खदेड़ने में कामयाब हो गया था, वो वेस्टर्न फ्रंटियर्स को दो में डिवाइड कर दिया था। ये सब हमने कवर किया था, हमने देखा था, लेक्चर जरूर देखिएगा दोस्तों, आपकी पूरी मेडिवल हिस्ट्री कवर हो जाएगी, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ये लेक्चर्स देख लीजिएगा, मोर देन इनफ। हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप जरूर पढ़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे 1287 के बाद क्या हुआ, ठीक है। 1287 मतलब 1266 से लेकर 1287 तक ये बलबन ने रूल किया था, और 1286 में मंगोलों से लड़ते लड़ते इसके बड़े बेटे प्रिंस मोहम्मद की जान चली गई थी, ठीक है, वो सिंध मुल्तान का गवर्नर था, हमने बात की थी, तो वहां पे मंगोलों की जान चली गई थी। तो प्रॉब्लम ये हो गई थी कि बलबन एक बड़ा ही स्ट्रिक्ट, बड़ा ही स्टर्न रूलर था, लेकिन अपने बड़े बेटे से बहुत प्यार करता था, शौक में था। अगले ही साल उसकी मृत्यु होगी, मरने से पहले बलबन ने यह बोला था कि जो रूलर होगा, ठीक है, जो रूलर होगा, जो अगला सुल्तान होगा, वो मेरा छोटा बेटा बुगरा खान होगा। लेकिन बुगरा खान को पता था कि मेरे जो पिताजी हैं वो कितने ज्यादा, किस तरीके के हैं, तो उसने बोला कि मैं बंगाल में ही ठीक हूं। उस समय बुगरा खान जो था वो बंगाल का गवर्नर था, मैं बंगाल में ही ठीक हूं और ज्यादा मुझे कुछ नहीं करना है। अब यहां पे बलबन ने फिर अपने पोते को, यहां पे काय खुसरो को बोल दिया कि अब से जो है, ठीक है, बुगरा खान ने ये जो गद्दी है वो ठुकरा दी है, तो अब से अगला जो सुल्तान है वो काय खुसरो होगा। काय खुसरो पोता था बलबन का, मोहम्मद का बेटा था, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली में जो सत्ता गई, क्योंकि बलबन की मृत्यु हो गई और काय खुसरो को हटा दिया, असली में जो सत्ता गई वो काय कदाबाद के पास गई, ठीक है। काय कदाबाद बुगरा खान का बेटा था, आपको याद रखना है, काय कदाबाद बुगरा खान का बेटा था। बुगरा खान किसका बेटा था, बलबन का, यानी कि बलबन का पोता था काय कदाबाद। काय कदाबाद के बारे में बहुत सारी चीजें बोली जाती है दोस्तों, ठीक है, कुछ व्यूज भी हैं, हम दोनों ही चीजें जानते हैं। देखिए क्या बोला जाता है, बड़ा ही हैंडसम, एजुकेटेड, कल्चर्ड इंसान था ये, लेकिन इनएक्सपीरियंस था, इसको एक्सपीरियंस नहीं था। इससे पहले इसको बड़े नाजों से पाला गया था, हर बुराई से दूर रखा गया था, लेकिन अब इसको बुराई से दूर रखने वाला कोई नहीं था। इसको गद्दी मिल गई, 17-18 साल का लड़का, इसको दे दी, इसको मिल गई गद्दी, और ये सब नोबेल्स ने किया था, ठीक है, इसको गद्दी मिल गई। अब यहां पे जब इसको गद्दी मिली, इसने पहली बार जब इतना कुछ देखा, शानो शौकत देखी, तो ये उसी में डूब गया। ऐसा बोला जाता है कि ये दिन रात अय्याशियां करता था, लड़कियां इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, शराब इसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, दिन रात उसी में डूबा रहता था। जनता जाए भाड़ में, जो इसके साथ जितने भी लोग थे,
जितने भी ऑफिशियल्स थे, जो भी नोबल्स थे, वो इससे इतना परेशान रहने लगे कि भैया ये हट जाए, इसकी जगह कोई आ जाए। हालांकि ये ऐसा था नहीं, लेकिन इसको ऐसा बना दिया गया था। अब मैंने आपको बताया था ना शुरू में ही, जैसी संगत वैसी रंगत। यहां पे जो कोतवाल ऑफ दिल्ली था फकरुद्दीन, उसका दामाद का नाम था निजामुद्दीन। निजामुद्दीन जो एक सिंपल ऑफिसर था, शहर का एक ऑफिसर था, वो इसके बहुत ज्यादा करीब आ गया, इसका इतना अच्छा दोस्त बन गया। लेकिन उसके अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा था। काकदाबाद को वो हटाना चाहता था और निजामुद्दीन पावर अपने हाथों में लेना चाहता था। तो वो क्या कहता था निजामुद्दीन कि अरे जो तुम कर रहे हो बिल्कुल सही है, जितना हो सके अय्याशी करो, ये बिल्कुल सही है तुम्हारे लिए, इस उम्र में तो ये सब होता ही होता है। तो यहाँ पे काकदाबाद बिल्कुल डूबता गया अय्याशी में, और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो गिरता गया। बलबन ने बड़ी मुश्किल से कंसोलिडेट किया था। इतिहास में दोस्तों हमेशा दो ही चीजें होती है, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले तो कंसोलिडेट करो, हर किंगडम को एक साथ मिला दो। यहाँ पे दिल्ली सल्तनत एक साथ हो गई थी ना, नॉर्थ लगभग लगभग पूरा एक साथ हो गया था, ठीक है, ये डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया था, ठीक है। अब इसके बाद एक्सपेंशन होता है। अब एक्सपेंशन जब अलाउद्दीन खिलजी आएगा तब एक्सपैंड होगा, वो भी हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। यहां पे काकदाबाद एकदम उसने क्या किया कि जो सुल्तान का जो स्टेचर है, जो बड़ी मुश्किल से बलबन ने उसको रीस्टैब्लिश किया था कि सबसे ऊपर सुल्तान है, उसको नीचे गिरा दिया, ठीक है। यहां पे उसकी कोई भी नहीं सुनता था और वो चाहता भी नहीं था उसकी कोई सुने, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ नेचर था काकदाबाद का। अब प्रॉब्लम यह थी कि काकदाबाद जो भी करता था, भैया देखो राजा को ही देख के बाकी सब बिहेव करते हैं, जितने भी कोर्टियर्स थे उसको फॉलो करने लगे। वो तो यही चाहते थे ना कि कुछ इस तरीके का राजा है जो इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट ना हो। बलबन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। अब जब बुगरा खान को पता चली, भैया पिता तो पिता होता है, बाप तो बाप होता है, चाहे स्ट्रिक्ट हो, चाहे जो भी हो, चाहे राजा हो, लेकिन कहते हैं ना कि हर पिता की सबसे बड़ी कमजोरी, चाहे वो जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका बेटा या बेटी होती है। वो हमेशा अपने बेटे बेटी के सामने झुक जाता है, चाहे उसमें कितने भी ऐब हो, ये सच्चाई है, खून का रिश्ता होता है ना। तो यहाँ पे जब बुगरा खान को पता चला, जो कि बंगाल में था, गवर्नर था, कि मेरा बेटा इस तरीके के गुल खिला रहा है, तो बुगरा खान ने पहले तो बहुत सारे लेटर्स भेजे कि बेटा सुधर जाओ, सुधर जाओ, क्या कर रहे हो, तुम सुल्तान हो। नहीं हुआ तो वो दिल्ली की तरफ मार्च कर गया। बुगरा खान की बात कर रहा हूं, सोचिए अपने बेटे से युद्ध लड़ने जा रहा है। हालांकि इसके दो व्यूज हैं, ठीक है, इसमें दो व्यूज हैं। इसमें पहला व्यू तो ये है कि बुगरा खान इतना ज्यादा परेशान हो गया था कि उसने बोला कि मैं इसको हरा के थ्रोन को ले लूंगा। दूसरा व्यू ये है कि सिर्फ उसको एडवाइस करने जा रहा था। देखिए दोस्तों, जो भी है, लेकिन बुगरा खान दिल्ली की तरफ तो मार्च किया। अब यहां पे निजामुद्दीन ने काकदाबाद से बोला कि अपने पिताजी से युद्ध कर लो, बहुत बढ़िया मौका है, खत्म करो उसको। क्योंकि निजामुद्दीन को क्या चाहिए थी, ताकत चाहिए थी, वो चाह रहा था कि सारी ताकत मेरे पास हो जाए। तो वो बिल्कुल ये सारी चीजें कर रहा था। अब सरयू नदी के पास अयोध्या में जब बुगरा खान और उसका बेटा काकदाबाद मिलते हैं, कुछ नहीं होता है दोस्तों, दोनों में बातचीत होती है, 3 से 4 दिन तक दोनों साथ में रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है। और बुगरा खान बहुत अच्छे से समझाता है कि बेटा ये मत करो, ये थ्रोन है, ये फलाना ढमाका, अच्छे से काम करो, सब सही होगा। तो काकदाबाद उस समय तो समझ जाता है, छोटा ही था ना, 18-19 साल का लड़का, ठीक है, कहाँ इतनी ज्यादा उम्र होती है, ठीक है ना। तो ज्यादा तो यही सारी चीजें थी। तो यहाँ पे बुगरा खान ने एडवाइस की कि तुम अच्छे राजा बनो, अच्छे सुल्तान बनो। तो उस समय तो काकदाबाद समझ गया, लेकिन जैसे ही वापस गया फिर उसने वही सब शुरू कर दिया। बुगरा खान ने एक और एडवाइस की थी कि जो तुम्हारा सलाहकार है निजामुद्दीन, उसको हटा दो भैया, ये डेप्यूटी ऑफ सुल्तान हो गया था निजामुद्दीन, ठीक है ना। सब कुछ इसने हथिया लिया था, एक तरीके से पावर इसके हाथ में आ गई थी। तो यहाँ पे जब निजामुद्दीन के बारे असलियत पता चली जब काकदाबाद को, तो यहाँ पे निजामुद्दीन को बोला कि बेटा तुम मुल्तान चले जाओ, दोबारा दिखना नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो काकदाबाद ने मना कर दिया। यहाँ पे मूड खराब, सॉरी, निजामुद्दीन ने मना कर दिया। काकदाबाद ने निजामुद्दीन से बोला कि तुम मुल्तान चले जाओ, क्योंकि बुगरा खान ने, काकदाबाद के पिता ने बोला था कि बेटा इससे तुम हट जाओ, यही तुमको सारी गंदी चीजों में ढकेल रहा है। मैंने बोला ना, जैसी संगत वैसी रंगत, भैया संगति यहाँ पे बहुत बुरी थी, तो क्या कर सकते हैं यार। तो यहाँ पे काकदाबाद को ये समझ में आ गया था कि जब तक मैं इसके साथ हूं, तब तक मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैं बर्बादी हूं। तो यहाँ पे सीधा उसने बोल दिया कि तुम मुल्तान जाओ। निजामुद्दीन ने मना किया, काकदाबाद ने पॉइजन दे दिया, ठीक है, खाने में जहर दे दिया, और यहाँ पे निजामुद्दीन का चैप्टर खत्म। लेकिन निजामुद्दीन तो खाली एक प्यादा था ना, एक दुश्मन था, दुश्मन बहुत सारे थे। काकदाबाद के आसपास के लोग, वो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता था, दिन रात पार्टी करता था, दिन रात अय्याशी करता था, लड़कियों में लिप्त रहता था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी दोस्तों, ठीक है।
अब अगर सुल्तानी ऐसा करेगा तो आप समझ सकते हैं ना प्रजा की क्या हालत होगी। ठीक है, तो यहां पे दोस्तों एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन पूरा नीचे जा रहा था। और काकतावाद इतना कुछ, आपको एक और चीज बताता हूं कि इतना ज्यादा अय्याशी करने लगा कि इसका चेहरा जो था बिल्कुल पीला पड़ गया था और एकदम एकदम एक हड्डी का हो गया था ये, एकदम पतला दुबला। ठीक है, एक समय पे जो रंगत थी ना वो सारी चली गई थी। लॉ ऑफ कर्मा ऐसे ही काम करता है ना, इसने इतनी अय्याशी की, इतनी अय्याशी की, बिल्कुल पतला दुबला हो गया, कुछ भी नहीं इसके अंदर बचा था। बहुत ही जल्द ये बीमार पड़ गया और काफी बीमार रहने लगा और इसको पैरालिसिस हो गया भैया, लकवा मार गया। और एक बार यहां पे इसको लकवा मारा, जितने भी लोग थे जो गर्दी को देख रहे थे वो टूट पड़े। इसमें एक था जलालुद्दीन, जलालुद्दीन जो टर्किश नहीं था, टर्को अफगान था, ठीक है, अफगानिस्तान से आया था तो एक तरीके से उसको अफगानी कहेंगे। तो यहां पे जलालुद्दीन फिरोज, जिसको काकताबाद ने ही कमांडर बनाया था अपनी आर्मी का, जलालुद्दीन फिरोज ने ही क्या किया, सत्ता को हथियाने की साजिश जो है वो शुरू कर दी। यही होता है भैया गेम ऑफ थ्रोन्स, आप समझ रहे हैं ना, यही सारी चीज आती है। ठीक है ना, तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों काकताबाद ने सब कुछ छोड़ दिया और दो लोगों के हाथ में मलिक कछन और मलिक एतवार, ये टर्किश नॉवल थे, इनके हाथ में सत्ता सौंप दी और उसके बाद वो चला गया। अब यहां पे दोस्तों मतलब जब काकताबाद को पैरालिसिस हुआ तो उसका बेटा जो सिर्फ और सिर्फ 3 साल का था, जिसका नाम था कैमूर्स, उसको गद्दी में बैठा दिया। ठीक है, अब जलालुद्दीन ने, अब यहां पे जलालुद्दीन बहुत तेजी से ऊपर आ रहा था। जलालुद्दीन खिलजी की बात हो रही है दोस्तों, खिलजी डायनेस्टी का उदय होगा, राइज ऑफ खिलजीज, 1290 से लेकर 1320 तक, 30 साल तक जिनका रूल था। और अलाउद्दीन खिलजी भैया, जिसने बहुत कुछ किया लेकिन उसके बावजूद इसको काफी विलन के रूप में देखा जाता है। वैसे आपको बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी था भी विलन, ठीक है, जब हम इसकी बायोग्राफी रिव्यू करेंगे तब जानेंगे। तो यहां पे दोस्तों ऐसा हुआ कि जलालुद्दीन खिलजी प्रोटेक्टर ऑफ द रियाल्म बन गया। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में सुना होगा ना कि मैं 3 साल का जो बेटा है काकताबाद का, कैमूर्स, उसकी रक्षा करूंगा। इसने सबको हरा दिया लेकिन बाद में कैमूर्स को इसने मार दिया, ठीक है, इसने जान से मार दिया था। और जलालुद्दीन खिलजी का भी वही अंत हुआ जैसा कैमूर का हुआ। ठीक है, लॉ ऑफ कर्मा दोस्तों, सब कुछ ऐसे ही काम करता है। तो ये सारी चीजें हैं, काकताबाद गया, कैमूर गया, और 1290 में सत्ता किसके हाथ में आ गई, जलालुद्दीन खिलजी के हाथ में आ गई, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और उसने दिल्ली को कैप्चर कर लिया और फाइनली उसने अपना रूल जो है वो स्टैब्लिश कर दिया। स्लेव डायनेस्टी का अंत हुआ, गुलामी वंश का अंत हुआ, खलजियों का यहां पे रूल जो है वो शुरू हुआ। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे जलालुद्दीन खिलजी ने कैसे रूल किया। मैं बता दूं दोस्तों, अगला जो लेक्चर है वो 30 या 31 मई को आएगा, ठीक है, तब हम खिलजीज की बात करेंगे। इतना बड़ा गैप इसलिए क्योंकि पहले मैं भारत रत्न की सीरीज अपनी उसको फिनिश करूंगा, उसके बाद फिर मैं वापस इस्लामिक इन्वेजन पे आऊंगा। तो सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, देख लीजिएगा, नॉलेज आपकी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, और ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये लेक्चर्स आपके लिए काफी हैं। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।